Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आज दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला कि अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए, उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सजा मिल जाए 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो कोर्ट से उसको सजा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब एक कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड, ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम न हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है, जैसे ब्रिजभूषण जी। ब्रिजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं, कौन से कानून पे कर रहे हैं, यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है, एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके, नॉमिनेशन करके, पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हो उसको रिहा नहीं मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं, ये पहली बार नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारी 400 सीटें आती हैं तो हम पीएपीओ के पे कब्जा कर लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आई तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे, और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लालांच तो दिखाएं। और जो
4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है यार, वो तो पहले वापस लो, वहां तो थोड़ी आंख लाल आंख दिखा दो कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है। किस किस्म का बयान है ये? आप गृह मंत्री हो, आप वोट के लिए क्या क्या नहीं कह सकते? ये लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों से लगता है कि आप उस दौर चाह रहे हो जहां आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। लगता है कि वो 400 पार क्या, 200 पार भी मुश्किल है, तभी ऐसे बयान दिए जा रहे हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार आप सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि एक ऐसे पद पे आप बैठे हुए हो जिससे आपका कोई भी बयान हो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आपने सोच समझ के दिया है।